Yes, a very good morning. So let us continue with the revision of cube and cuboid. So let us discuss some more question from on the basis of the definition of or on the basis of the formulas of cube and cuboid. If length of the diagonal, first question for the day. Length of the diagonal of a cube is 8 root 3. Length of diagonal of a cube is 8 root 3. This is the length of diagonal. Find its surface area. We need edge. And that we will obtain by using the formula for the length of the diagonal. So we know that the length of the diagonal of a cube is root 3a. Replacing the formula, root 3 get cancelled. So a is equal to 8 cm. This is the value of a. We want to find the surface area. So it means total surface area, that is 6 into 8 square. Let us start with the next question. If each edge of cuboid is doubled, if each edge of cuboid is doubled, what will happen to the surface area S? What changes will occur in S? अब यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाते हैं जब वहां पे लिखा होता है ईच एज, तो उनको लगता है एज तो क्यूब के केस में होता है, तो क्यूबॉइड के केस में एज बोल सकते हैं हम. ईच एज ऑफ द क्यूबॉइड इज डबल्ड, तो कभी क्यूबॉइड में हम लेंथ ब्रेथ हाइट को ही एजेस बोलते हैं. तो इनिशियली सपोज एल बी एच फॉर द एजेस, इन दैट केस टोटल सर्फेस एरिया विल बी 2 एल बी बी एच प्लस एच. ये होगा इनिशियल, राइट. व्हेन दीज आर डबल्ड दैट मींस 2l 2b 2h. लेट अस सी व्हाट इज अ न्यू सरफेस एरिया. न्यू सरफेस एरिया इज 2 l मींस 2l, b मींस 2b, b मींस 2b, h मींस 2h एंड l मींस, सो दिस विल बी 2 4lb 4bh 4hl. So you take 4 as common, this will be 2 LB plus BH plus HL. कुछ बच्चे कॉमन लेते हुए एक गलती कर जाते हैं, जैसे वो कॉमन लेते हैं वो इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. नो, वी हैव टू सी दैट व्हाट चेंजेस अकर्ड इन S. ये हमारा पुराना S था, तो जो S डैश नया सरफेस एरिया है, इट बिकम्स 4 टाइम द सरफेस एरिया ऑफ द ओल्ड क्यूबॉइड. So what changes will occur in the surface area? It will become 4 times. Next question. Perimeter of one face of cube is 40 cm. Next question. Perimeter of one face of cube is 40 cm. ये क्यूब के एक फेस का हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है एंड वी वांट टू फाइंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस. पेरीमीटर ऑफ वन फेस इज गिवन एंड व्हाट इज टू फाइंड सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस, ऑल द एजेस, दिस इज टू बी फाइंड आउट. Now, one thing you have to keep in mind, when we are to find sum of all the length of the edges, we need the edge first. Cube ki baat ho rahi hai.
एंड जो गिवन है उसको यूटिलाइज करेंगे. फेसेस ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करूं, देन फेसेस ऑफ क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. सो व्हाट इज, अगर मैं स्क्वायर फेस एक लूं क्यूब का, जिसका क्यूब का एज ए है, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस वन फेस. यू नो दिस इज स्क्वायर, सो पेरीमीटर विल बी 4 इनटू साइड, सो साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. साइड की वैल्यू आपके पास 10 आ गई. हम निकालना चाहते हैं सम ऑफ ऑल द एजेस, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एजेस. सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, क्या फॉर्मूला हमने किया था? 12a, सो 12 इंटू 10 एंड दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा, गिवन क्या है उसको जो फाइंड करना है उसको निकालने में कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 5:4:2 की रेशो में हमारे पास length, breadth and height of cuboid दिए हुए हैं. And surface area is given to be 1216. That means total surface area it is given to be 1216. We want to find the dimension of the cuboid. हमें cuboid की dimensions find करनी. तो सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पहले इसको लेट करो. लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x एंड हाइट इज इक्वल टू 2x. ठीक है, सरफेस एरिया के नीचे सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दिस इज 1216. सो 2 5x इंटू 4x, 4x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, दिस इज इक्वल टू 1216. 20x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 10x स्क्वायर 1216, 38x स्क्वायर 1216, 76x स्क्वायर 1216. So you will be having x square is equal to 1216 upon 76. So you do the cutting, 2 के टेबल पे करते हैं हम पहले. राइट, देन अगेन 38 के टेबल पे सीधा जाएगा 16. सो x square इज इक्वल टू 16 implies x इज इक्वल टू, आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई. एंड यू नीड टू फाइंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. So length was 5x, breadth was 4x and height was 2x. Length 5x, 5 into 4 20, breadth 4x, 4 into 4 16 and height was 2x, 2 into 4 that means 8. This is length, breadth and height.
Next question. If edge of a cube, if edge of a cube is increased by 50%, if edge of a cube increased by 50%, then what will be the percentage increase in surface area? What is the percentage increase in surface area? Edge is increased by 50% and we need to find the percentage increase in the surface area. सबसे पहले इनिशियली लेट ए बी द एज, हमने सबसे पहले एज को ए ले लिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6a². नाउ व्हेन द एज इज इंक्रीज्ड 50%, दैट मींस न्यू एज, इसको इसमें बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया कितना, 50% ही इसका न्यू एज क्या आ जाएगा, पुराने एज में उसी का 50% हमने ऐड करना है. सो दिस विल बी ए प्लस 50/100 इनटू ए, 10a प्लस 5a/10, दैट इज 15a/10. कटिंग कर दो इसकी, दिस इज 3a/1, दिस इज अ न्यू एज, ठीक है. हम ये देखना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा सरफेस एरिया, तो हमें सबसे पहले दोनों केसेस के सरफेस एरियाज को फाइंड करना है, यानी कि पुराना केस व्हेन एज वाज ए, वो तो आपके पास है ही, एंड नए एज के केस में सरफेस एरिया क्या बन रहा है, लेट अस फाइंड. नए एज के केस में सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, सो द न्यू सरफेस एरिया एस डैश, दिस इज 6 into a, 6 into 9a² / 4, 27/2a². तो नेचुरली ये बढ़ जाएगा इससे, पहले वाले सरफेस एरिया से ये ज्यादा होगा क्योंकि एज को हमने इंक्रीज किया. तो अगर तो आपसे सीधा पूछता व्हाट इज द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, तो आपका आंसर यही, अगर व्हाट इज अ न्यू सरफेस एरिया, आंसर यहीं पे खत्म हो जाता. अगर पूछता व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो माइनस करते S dash minus S, increase in the surface area. Increase in surface area, new surface area minus the old surface area. That means 27a² - 12a² / 2, 15a² / 1. This is the, if he is asking what is the increase in the surface area, then this. But the question is percentage increase. So what is the formula for percentage increase? You did it in the previous classes. Percentage increase is equal to increase upon original value into 100. What is the formula for percentage increase? Increase upon original value into 100. So if we are talking about increase, this is 15a² / 2. If we are talking about original value, this is 6a² original value into 100.
increase upon original value into 100. जो increase हुआ, जो original value थी, उसको divide किया और 100 के साथ multiply. So this you will be having 15 a square upon 2 into 6 a square into 100. So this will be a square get cancelled. 5 upon 4 into 100. Next, if we do the cutting, this will be 25. So this is 125%. So what is the percentage in case? 125%. So always remember, chahe percentage decrease pucha gaya ho, chahe increase, formula will remain the same. Increase over original value into 100 and then decrease over original value into 100. Right? Next question. If the ratio of the volumes of two cubes is 8:1, पहले क्यूब का वॉल्यूम और दूसरे क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो हमें 8:1. Then find the ratio of their edges. यहीं से निकल जाएगा. Volume of the first cube, edge को a ले लो, a cube. Second cube, edge को capital a ले लो, a cube. Right? Use exponent and power. This will be a upon capital A raised to power is equal to 8 upon 1. Cube उधर shift हुआ, it will become cube root. 8 upon 1 का cube, 8 का cube root 2, 1 का 1. So what is the ratio between their edges? 2:1. Next question. If h of a cube of volume B is doubled. Is doubled, then find volume of new cube. Then find volume of new cube. Edge of a cube of volume B is doubled. Edge pehle maan lo A hai. And volume है b, edge नया बना 2a, double कर दिया, new volume 2a cube, पुराना volume हमारे पास b है, और उसकी value 1 मिनट, if edge is a, then volume is a cube, ठीक है, ये पुरानी बातें हो. Now, when the edge is doubled, that is 2a, volume is 2a cube, 8a cube. So, ye jo new volume aapke paas aaya hai, this is 8 times the old volume. Aise chote chote question, conceptual hai, kuch bhi aa sakta hai paper mein. So, you be ready. Next question. Find the ये question जो करवाने जा रही हूँ ऐसे questions important हो. Find the actually ये volume से related आ गया ना volume वाली exercise अभी हमने करनी है. चलो anyhow ये तभी फिर करेंगे जो वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज. वैसे मुझे लगता है कि हमें
साथ ही वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज बुक की डिस्कस कर लेनी चाहिए और साथ ही वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक ही फिगर के। चलो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, इसके बाद हम क्यूब क्यूबॉइड की वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज बुक से कर लें ताकि एक दो फिगर्स हमारी कंप्लीट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ डायमेंशन। प्लांट्स दिए हुए हैं, प्लांट दिया हुआ है पट्टा जिसको हम बोलते हैं, उसकी डायमेंशन हमें गिवन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, they are given to be 4 meter, 50 centimeter and 20 centimeter. Length is 4 meter, breadth is 50 centimeter and height is 20 centimeter. Length, breadth and height हमें दिए हुए हैं। It is to be stored in a pit. एक गड्ढे में इन plants को हमें रखना है। और pit की dimensions क्या दी हुई है? Change कर लेते हैं। Capital L. This is equal to 16 meter, breadth 12 meter and height 6 meter. This is the length, breadth and height. This is 4 meter of the pit. वो plank है, ये pit है। हम find करना चाहते हैं कि इस pit में ऐसे कितने plants रखे जा सकते हैं। How many plants can be placed in a pit of this kind? अब नेचुरली एक बात याद रखनी है आपको, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। जब हमें एक चीज में दूसरी चीज को रखना है दैट मींस इट इज लाइक रिलेटेड टू द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इज इनडायरेक्टली व्हाट? वॉल्यूम। सो राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट पिट और प्लैंक में से कौन सी चीज बड़ी है। तो व्हाट नेचुरल है? पिट बड़ा है प्लैंक से, राइट? सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक दिस इज इक्वल टू volume of pit upon volume of one plant. जो चीज बड़ी है उसका वॉल्यूम ऊपर, जो चीज छोटी है उसका वॉल्यूम नीचे, किसी भी चीज का नंबर निकालने के लिए अगर कैपेसिटी की बात हो रही हो। आपको पता है अब हमने क्वेश्चन किया था नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने वाला, उसमें हमने क्या किया था, टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड किया था जितनी क्वांटिटी ऑफ हमारे पास पेंट था। वहां पे हमने समझा कि क्वेश्चन इज नॉट रिगार्डिंग कैपेसिटी और रिगार्डिंग कीपिंग थिंग्स इन वन थिंग, इट इज नॉट रिगार्डिंग दैट हाउ मच थिंग इज कंटेनिंग इन दिस, दैट्स व्हाई वी वर डीलिंग विद टोटल सरफेस एरिया, बट दिस इज अबाउट कंटेनिंग द थिंग्स, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू कैपेसिटी। सो हमें वॉल्यूम्स को डिवाइड करना पड़ेगा एंड कीप वन थिंग इन माइंड, वॉल्यूम ऑफ द बिगर थिंग इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर थिंग। सो वॉल्यूम ऑफ पिट 16 meter into 12 meter into 4 and the volume of one plank 4 meter into 50 centimeter into 20 centimeter. So, जब हम divide करते हैं, हमने unitary method सीखे हुए हैं, when we are doing division, the you can say units should remain the same. So, हमारे पास ऊपर सारे meters में हैं, नीचे एक meter में हैं 2 centimeter. तो हम ऐसा करते हैं, एक जगह तो फ्रैक्शन यूज करनी पड़े, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशंस इजी रहती हैं, डिवाइड करने से फ्रैक्शंस हो जाती हैं। तो 1600 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 400 into 50 into 20. So there are four zeros. Get cancelled. So you will be having 1600 into 12 into 4 divided by 4 into 5 into 2. 4, 4 cancel. 2, 6 are 12. It will be 1920 plants can be stored in the pit. Pit में 1920 plants को हम store कर सकते हैं, right? Next question.
Find the number of cubes. Find number of cubes. Side 3 centimeter. Number of cubes of side 3 centimeter that can be cut from cuboid of dimension 10 centimeter by 9 centimeter by 6 centimeter that can be cut from a cuboid of this dimension. Find the number of cubes that can be cut from cuboid of this dimension. So हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसे सेंटीमीटर में सारे डायमेंशन इट विल बी ओके विद द यूनिट. सो हम ये अगर हम कहें कि n क्यूब्स में कट कर सकती हूँ किससे, इस क्यूबॉइड से, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अगर इसमें से n क्यूब्स कट किए जा सकते हैं, अगर मैं एक केक से 8 पेस्ट्रीज कट कर सकती हूँ, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 8 पेस्ट्रीज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स, इफ n क्यूब्स कैन बी कट आउट देन वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो n क्यूब्स का वॉल्यूम n इंटू साइड क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आता है क्यूब का, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला यू नो. सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो एन इज इक्वल टू 10 × 9 × 6 अपॉन 27. नीचे आ गया, दिस इज 9 × 3 = 27, 3 × 2 = 6, सो दिस विल बी 20 क्यूब. इस क्यूबॉइड को अगर हमने इस क्यूब के डायमेंशन में कट करना हो तो 20 सच क्यूब्स कैन बी कट इट आउट और पॉसिबल टू कट. ऐसा क्वेश्चन 8 में आपने किया था, सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम. फाइंड द number of small cubes find the number of small cubes with edge 20 centimeter, with edge 20 centimeter that can be accommodated in a cubical box, that can be accommodated in a cubical box of side 2 meters. एक क्यूबिकल बॉक्स जिसकी साइड 2 मीटर है उसमें कितने क्यूब इस एज वाले, इस साइड वाले रखे जा सकते हैं. इसका मतलब जिसमें रखना है वो बिगर है, जिसको रखना है वो स्मॉलर है. सो नंबर ऑफ क्यूब is equal to volume of cube of edge 2 meter divided by volume of cube of edge 20 centimeter. Volume of cube of edge 2 meter upon volume of cube of edge 20 centimeter. बड़े के volume को छोटे के volume से हमें divide करना. So 2 meter है, नीचे centimeter में हम देख रहे हैं चीजों को, तो ये 200 हो जाएगा. मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, 200 सेंटीमीटर. सो इट्स वॉल्यूम विल बी 200 क्यूब अपॉन 20 क्यूब. सो दिस इज 200 × 200 × 200 / 20 × 20 × राइट, 3 जीरोस कट गए.
ये आया 10, ये आया 5, ये आया 100. So this is 500 cubes. Answer is 500. अच्छा ये टू मल्टीप्लाई 1000, देयर विल बी 1000 सच क्यूब. Next question. The areas of three adjacent edges of cuboid is x, y, z. Three adjacent edges like this. Teen adjacent jo edges hain, faces hain. Faces ka area hame ye diya. Theek hai? And volume is V. Volume hai V. We want to prove V square is equal to X. But important hai equation. V square is equal to X, Y, Z. So, sabse pehle, cuboid ke faces ki agar hum baat kare, this is the bottom face ki agar baat kare, to LB include hota hai, area X ki. Agar hum side face ki baat kare, BH, area Y. Length into breadth, dono dimension ko multiply karoge, to area. This is Z. ठीक है तो हमें एक्स वाई जेड चाहिए. आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएगा. दैट मींस एलबी इनटू बीएच प्लस एचएल सॉरी मल्टीप्लाई एचएल. तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड. ठीक है तो इधर बना एल स्क्वायर एल इनटू एल एल स्क्वायर बी इनटू बी बी स्क्वायर एच इनटू एच एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. यहां पे एक्सपोनेंट यूज करो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मींस एलबी एच का होल स्क्वायर. एक्सपोनेंट का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया एंड एल बी एच इज व्हाट इफ एल बी एच आर द डायमेंशन देन एल इनटू बी इनटू एच इज व्हाट बी. सो यू हैव प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हेंस प्रूव. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर. विल कंटिन्यू टुमारो. डू सेंड योर होमवर्क नोटबुक ऑल ऑफ यू फॉर चेकिंग. सिलेबस इज फिनिश्ड सो इट्स मैंडेटरी टू सेंड योर कॉपी.